अब तक आपने देखा कि कैसे अनु क्रिकेट मैच के दौरान बेहोश हो जाती है। अनु राम को तसल्ली देती है कि वो ठीक है, पर दिशा और आरव बताते हैं कि अनु 3-4 दिन से कहीं जाती है और उसने ब्लू पॉली बैग में कुछ छुपा के रखा है। ब्लू पॉली बैग को चेक करता है जिसमें अनु के कैंसर रिलैप्स की टेस्ट रिपोर्ट है। राम अनु को फिर से कीमोथेरेपी करवाने की बात करता है पर अनु मना कर देती है। अब आगे। अरे क्या कर रही हो तुम? मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो ना? हाँ तो चलो मूंगफली बेच के बताओ क्या। जाओ यार, ये क्या करवा रही हो यार? क्या भैया, कहाना नहीं चाहिए, जाइए जाइए आगे जाइए। मूंगफली, कोई मूंगफली ले लो। अबे लो यार। अरे यार, 10 रुपए का मूंगफली देना। जरूर भैया जी। हाँ आप किसी भी एंगल से मूंगफली वाले नहीं लगते। मैं हुई नहीं तो मैं कैसे लगूंगा? अजीब पागल हो रहा था, हम कहाँ हंस रही है? ओ भाई साहब, मेरी बीवी है वो हंसे यार। वही आपको क्या, ये लीजिए आपकी मूंगफली और जाइए यहाँ से। यही चाहिए था ना, अब तो खुश हो? वैसे ये मेरी खुशी के लिए नहीं था, ये उसकी खुशी के लिए था। खामखा डांट दिया उसे। आई सी। भाई साहब जरा इधर आना। भाई एक तो आप इसे लीजिए। ये सॉरी हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। जाइए। बोलो मैम, और क्या तमन्ना है आपकी? आपका ये जिन अब मूड में आ चुका है, इसलिए अब मैं आपकी सारी विशेष पूरी करना चाहता हूँ। बोलो। मुझे पता है जिन 3 विशेष पूरी करता है ना। अरे 3 क्या, मैं 300 विशेष पूरे करने को तैयार हूँ। घर में है आपका जिन, फायदा उठाओ। फायदा तो मैं पूरा उठाऊंगी, लेकिन मेरी विशेष सिर्फ 3 ही है। अच्छा बोलो तो सही, क्या? राम, जिंदगी ना दोबारा नहीं मिलती, तो मैं पापा से मिलना चाहती हूँ। मैं उनसे अपनी गलती की माफी मांगना चाहती हूँ। एक मिनट, ये मुझसे प्यार करना गलती कब से हो गई? ये क्या है, ऐसे सोचने लगी हो तुम? राम ऐसा नहीं है, देखो मेरे पास जितनी भी जिंदगी है ना, शायद भगवान ने मुझे थोड़ी कम जिंदगी दी है, लंबी नहीं दी है, लेकिन जितनी भी है मैं बहुत खुश हूँ। मेरे हिसाब से मेरी जिंदगी परफेक्ट है, जिससे प्यार किया उससे शादी की, एक परफेक्ट बीवी बनी, एक परफेक्ट माँ बनी, लेकिन शायद एक परफेक्ट बेटी नहीं बन सकी। तो क्या हुआ, तुम्हारा बाप कौन सा परफेक्ट बाप बना है? कि मेरे पापा हैं वो और हमेशा रहेंगे। और प्लीज मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलो। एक जमाने में मैं उनकी लाडली हुआ करती थी। मैं बस मेरे पापा से मिलना चाहती हूँ, उन्हें देखना चाहती हूँ, उन्हें हग करना चाहती हूँ, उन्हें आई एम सॉरी कहना चाहती हूँ। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, प्लीज। दूसरी विश क्या है वो? अरे पहले पहली तो पूरी करो। और मेरी पहली विश ना बहुत टेढ़ी खीर है, पहले बता देती हूँ। ये बात है, ठीक है चलो। हाँ अभी अभी इसी वक्त मैं तुम्हें अपने खड़ूस बाप के पास ले जाना चाहता हूँ, तुम्हारी पहली विश पूरी करना चाहता हूँ। राम राम, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही थी, मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि तुम मेरी विश पूरी करते हो कि नहीं। तुम्हें पता है ना वहाँ पर जाना क्या होगा? क्या होगा? मेरी इंसल्ट होगी ना, उससे ज्यादा क्या होगा? मैं तैयार हूँ, I don't mind। अरे come on यार, अगर मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता तो कैसा आशिक हूँ मैं? लानत है मुझ पर। चलो come on मैडम, उठो।
दीदी ये आप क्या कर रही हो? वो क्या है ना, मम्मा पापा हमसे कुछ छुपा रहे हैं। तो मामा ने मना किया है ना उनके फाइल्स देखने के लिए। हाँ लेकिन वो घर पे थोड़ी ना है, उन्हें कैसे पता चलने वाला है? पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा उन्हें? मैं बता दूंगा। हाँ मम्मा ने अगर ब्लू पॉली बैग में चॉकलेट छुपा के रखे होंगे तो तुम चॉकलेट तो खाओगे ही ना? चॉकलेट? फिर तो मुझे भी आपकी हेल्प करनी चाहिए। एक मिनट। ओके ओके ठीक है। देखो मम्मी पापा का पुराना फोटो एल्बम। आरव एल्बम को छोड़ो और वो एनवेलप ढूंढो जो ब्लू पॉली बैग में है, मिल नहीं रहा है तब से। दीदी पापा कितने स्वीट और स्मार्ट है, तो नानू पापा से इतने क्यों चिढ़ते हैं? वो क्यों नहीं माने शादी के लिए? कि विलन लोग का ना कैरेक्टर ही ऐसे होता है, लव स्टोरीज में प्रॉब्लम क्रिएट करने का। एनीवेज वो एनवेलप कहाँ चला गया? अरे भाई कहाँ मुंह उठाए चले जा रहे हो? कपूर साहब से मिलना है। इतनी रात में अपॉइंटमेंट वगैरह है कि नहीं? नहीं अपॉइंटमेंट नहीं है, उनसे कह दीजिए कि उनकी बड़ी बेटी आई है उनसे मिलने। बड़ी बेटी? भैया यहाँ हम 10 साल से काम कर रहे हैं, उनकी कोई बड़ी बेटी नहीं है, उनकी एक ही बेटी को जिस वक्त अंदर है। आप जाइए वरना आपके पीछे कुत्ते दौड़ा देंगे। अरे भाई सर तमीज से बात करिए। नहीं बात करेंगे तो क्या करोगे? गार्ड मैडम, अरे बड़ी मियां साहब है, अरे बड़े बड़े दामाद जी, आइए मैडम, आइए सर। आइए मैडम। मनिका एक मिनट वहीं रुक जाइए। दीदी आप यहां क्या कर रही हैं? इस घर में कुछ बदला नहीं है। आप जानते हैं ना कि पापा इस आदमी से कितनी नफरत करते हैं, इसे देखकर उनका ब्लड प्रेशर ही बढ़ना है। तुम लोग घर के अंदर आए कैसे? मतलब बस अनु मिश्र कपूर से मिल ले, उसके बाद हम फौरन निकल जाएं। अभी की अभी इस घर से बाहर निकलो, अब फिर और इंसल्ट करवानी है तुम्हें अपनी। मानव मानव, ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? हम लोग यहां पर कोई तमाशा करने नहीं आए हैं, मैं तो बस आपसे एक बार मिलना चाहती थी। मैं तुमसे अपने रिश्ते का अंतिम संस्कार आज से 18 साल पहले करके राख गंगा में बह चुका हूं। मिस्टर कपूर मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं, पर
मुंह बंद रखो अपना। पापा, आपका गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ। दाग दामन पर लग जाए ना तो वो छूट जाता है, दिल पर हो ना तो देखिए आज भी वहीं खड़ा है जहां उस दिन खड़ा था। याद है उस वक्त तूने क्या कहा था? आप मेरे पापा हैं और ये मेरा प्यार है। और चली गई तू मुझे छोड़कर इसके साथ, इसका दामन थाम के। सर जी, अनु मैडम की बात एक बार सुन तो लीजिए, 18 साल बाद घर आई है। और 18 साल पहले ये यहां से क्यों चली गई थी? भूल गए हो तुम सूरज? जब तेरी मां मरी थी तब मेरी आंखों में आंसू नहीं आए थे, मगर उस रोज तूने मुझे रुला दी। मिस्टर कपूर कहां मर गए सबके सब? निकाल, पार करो इन दोनों को। निकालो इन दोनों को। और सूरज, आज तो ये दोनों घर में वापस आए, लेकिन तुम्हारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। मिस्टर कपूर, आप मुझे 100 जूते मारिए, लेकिन प्लीज एक बार अनु। नहीं बस राम, अब और नहीं। पापा, मैं मानती हूं कि मैंने आपका दिल दुखाया, बहुत दिल दुखाया है, लेकिन मैंने कोई पाप नहीं किया है। आई एम रियली सॉरी। उस दिन भी मैंने आपको परेशान किया और आज भी, लेकिन पापा, आज के बाद मैं इस घर में दोबारा नहीं आऊंगी। लेरा, मैं पापा से मिल ली। Ask you something? अगर हमने कभी अपनी मामा की तरह कुछ किया तो क्या आप हमसे प्यार करना बंद कर देंगे? अरे बाप रे। अपना दिमाग क्यों खराब कर रही है? It's been 18 years, mom. 18 साल हो चुके हैं। And आपकी family आपका present है। अब क्यों अपने past में जी रही है? Why you're feeling sorry? And वो भी किसके लिए? नानू के लिए, जिनके पास दिल तक नहीं है। मामा, आपने क्या गलती की थी? What was your mistake? आपने पापा से प्यार ही किया था ना? उन्होंने पापा की insult करके बहुत गलत किया। मामा, it's very wrong. बस, बस, बस। हेलो हेलो, संभाल अपना। आरव अगर सारी बातें सुन ले तो उस पर क्या असर होगा? अब इस विषय में और बातें नहीं होंगी। लेकिन पापा, नहीं, बस तू जा आरव के पास जा। जा राम। रिलैक्स, मैं हूं ना, रिलैक्स।
अंदर जाओगे मुझे दीदी से बात करनी है। ओके थैंक यू। क्या जरूरत है आपको नानू के यहाँ जाने की? इंसल्ट करवाने में बड़ा मजा आता है क्या? बिल्कुल मजा नहीं आता, क्योंकि जो इंसल्ट करते हैं वो वही घिसी पिटी लाइन बार बार रिपीट करते हैं, कुछ नया तो बोलते नहीं। प्लीज पापा, मजाक में मत डालिए इस बात को, आई एम सीरियस। ओके सॉरी, माफ कर दो। देखा, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, वो तेरे नाना है और रिश्तेदारी जो होती है ना वो हमेशा के लिए होती है। रिश्तेदारी कोई पेंसिल की बनी हुई लिखावट नहीं होती जो इरेजर से हम मिटा सकें। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कुछ गलत करूं क्या तू मुझसे प्यार करना बंद कर देगी? पापा आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। Can I ask you something? अगर हमने कभी अपने मामा की तरह कुछ किया तो क्या आप हमसे प्यार करना बंद कर देंगे? अरे बाप रे, भारी सवाल। तुम लोग दोनों चाहे कुछ भी करो, मैं कभी भी तुम दोनों से प्यार करना बंद नहीं कर पाऊंगा। और एक सीक्रेट बताऊं, मैं तुम दोनों को मामा से भी ज्यादा प्यार करता हूं। मम्मी को बता रहा हूं। ओके मैं एक सीक्रेट बताऊं, हम भी ना आपको मामा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये सीक्रेट है, मामा को मत बताओ। डील। यस। सोने का इरादा है? चले चले। मान गई तुम्हारी लाडली? हाँ मान गई, लेकिन तुम्हारे खड़ूस बाप पे अभी भी थोड़ी सी चिढ़ी हुई। राम आज जो कुछ भी हुआ ना, इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद तुम पापा के बारे में कुछ भी कहोगे। और अपनी बेटी को भी समझा दो कि अपने नाना के बारे में ठीक से बात करो। ठीक है, लेकिन तुम भी समझ लो कि मेरी बेटी के बारे में तुम भी उल्टा सीधा फिर नहीं बोल सकती। और एक और बात, मैंने हमेशा सोचा था कि तुम्हारे बाप का नवाबी स्टाइल, नवाबी एटीट्यूड होगा, लेकिन वो नाइट सूट में ऐसे नीचे आए, मतलब अपने दामाद को ही कोई तरीका है वेलकम करने का? रात का वक्त है राम, हर इंसान नाइट सूट में ही सोता है। सपोज यू आर राइट, शुक्र है लुंगी भी नहीं आई। कुछ भी वैसे तुम्हें नहीं लगता वो थोड़े से बुड्ढे हो गए? राम तुम्हें ना मैं। ओके 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 ओ राम, वैसे वहां पर तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो रही थी और तुम खड़े होकर बस सुनते जा रहे थे, तुम्हें बुरा नहीं लगा? इसके दो कारण। पहला कारण तो तुमने मुझे समझा दिया था कि तुम उन्हें मिलना चाहती हो, देखना चाहती हो, बात करना चाहती हो। दूसरी बात, जब हम लोग वहां पर थे मैंने नोटिस किया तुम्हारी नजर उनसे हट ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा जितना मैं इस पल को बढ़ा सकता हूं बढ़ाऊं। अनु, तुम्हारी खुशियों के आगे मेरी बेइज्जती की क्या औकात है? राम बहुत अच्छा लगा सच में, पापा को सॉरी बोल करना एकदम हल्का महसूस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। नर्स, ये बेड नंबर 2 की पेशेंट कहाँ गई? अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। राम तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, नहीं जाना हॉस्पिटल, मुझे नहीं कराना इलाज। भाई साहब ये औरत थोड़ी सी पागल है, इनकी बातें मत सुनिए, आप जरा हॉस्पिटल चलिए प्लीज।
नहीं कर सकते। प्लीज राम मेरे हाथ खोलो, नहीं जाना हॉस्पिटल, मुझे नहीं कराना इलाज। राम मेरे हाथ खोलते हो कि नहीं? तुम एक अबला नारी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना जबरदस्ती करने पर क्या अंजाम होता है? मैं तुम पर केस कर दूंगी, केस कर दूंगी मेरे पति पर। फिर लड़ते रहना मेरे साथ, मैं सबको बता दूंगी तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। सुनो सुनो मोहल्ले वालों, मेरा पति मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, खोलो। भाई साहब ये औरत थोड़ी सी पागल है, इनकी बातें मत सुनिए, आप जरा हॉस्पिटल चलिए प्लीज। नहीं जाना हॉस्पिटल, मुझे नहीं कराना इलाज। प्लीज राम मेरे हाथ खोलो, नहीं जाना हॉस्पिटल, मुझे नहीं कराना इलाज। नर्स ये बेड नंबर 2 की पेशेंट कहाँ गई? अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे क्या कर रही हो तुम? मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो ना? हाँ तो चलो मूंगफली बेच के बताओ क्या। जाओ यार, ये क्या करवा रही हो यार? क्या भैया कहा ना नहीं चाहिए, जाइए जाइए आगे जाइए। मूंगफली, कोई मूंगफली ले लो। अबे लो यार। अरे भैया जी 10 रुपए का मूंगफली देना। जरूर भैया जी। हाँ आप किसी भी एंगल से मूंगफली वाले नहीं लगते। मैं हुई नहीं तो मैं कैसे लगूंगा। अजीब पागल हो रहा था, हम कहाँ हंस रही है? ओ भाई साहब मेरी बीवी है वो हंसे यार, वो आपको क्या, ये लीजिए आपकी मूंगफली और जाइए यहाँ से। यही चाहिए था ना, अब तो खुश हो? वैसे ये मेरी खुशी के लिए नहीं था, ये उसकी खुशी के लिए था, खामखा डांट दिया उसे। आई सी। भाई साहब जरा इधर आना। भाई एक तो आप इसे लीजिए, ये लीजिए। सॉरी हाँ, मुझे माफ कर दो। जाइए। बोलो मैम और क्या तमन्ना है आपकी? आपका ये जिन अब मूड में आ चुका है, इसलिए अब मैं आपकी सारी विशेष पूरी करना चाहता हूँ। बोलो। मुझे पता है जिन 3 विशेष पूरी करता है ना। अरे 3 क्या, मैं 300 विशेष पूरे करने को तैयार हूँ। घर में है आपका जिन, फायदा उठाओ।